गाइस आज हम बनाएंगे चावल की कुरकुरी कचरी, जिसके लिए हमें पतीला रख दिया हमने चूल्हे में। एक चम्मच हमने तेल डाला, उसमें एक चम्मच जीरा डाला हमने, और अब इसमें पानी डाल देंगे। हमारा पतीला लगभग आधे से ऊपर भर गया था, अब इसमें हम नमक डालेंगे, एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, सुहागा डालेंगे हम इसमें अब थोड़ा सा। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे एक चम्मच लगभग, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। पकने पर हमने एक किलो चावल लगभग धोकर डाल दिए अच्छे से, और हमें दोस्तों इसको हम थोड़ा पकने देंगे। अब हमें एक टाइट खिचड़ी तैयार करनी है कचरी बनाने के लिए। आप पानी और चावल अपना आप से देख सकते हैं, और हमें इस कंसिस्टेंसी की खिचड़ी तैयार करनी है। देखिए हमारी तैयार है खिचड़ी, तो हम इसको ठंडा करने रखेंगे। अब हम खिचड़ी को बड़े बर्तन में निकाल लेंगे पतीले से, और इसको ऐसे चमचा घुमाकर ठंडा करेंगे। आपके घर पर कोई भी ऑयल की पन्नी होगी, पैकेट होगा, तो आप उसको ऊपर से काट लो ऐसे, उसकी निप ऐसे काटो कचरी बनाने के लिए। और अब हम इसमें खिचड़ी डालेंगे। और आप देखिए ऊपर से ऐसे पकड़ के हमें ऐसे खिचड़ी निकालनी है कचरी तोड़ने के लिए। आप देखिए ऐसे टाइट टाइट हमें लंबी लंबी निकालनी है कचरी तोड़ने के लिए। खिचड़ी निकाल लेंगे हम इसको, फिर धूप में सुखाएंगे। अब देखिए हमारी कचरी ऐसी हो जाएगी सूखने के बाद। इनको निकालने का इजी तरीका, हम किसी कंटेनर में पानी ऐड करेंगे और उसमें ये डुबो देंगे अच्छी तरह कपड़ा, और फिर 2 मिनट के बाद निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारी कचरी देखो ऐसे लंबी लंबी निकलेगी, टूटेगी भी नहीं। इनको हम लंबा लंबा निकाल लेंगे, और फिर हम इनको धूप में सुखा देंगे। दोबारा धूप में सुखाने के बाद हमारी कचरी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हमारी ये कचरी तैयार है। अब मैं आपको भून कर दिखाती हूँ, और हम इन्हें ब्राउन होने तक भूनेंगे। गाइस ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ये देखिए हमारी कुरकुरी कचरी तैयार है।